हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावर जेनिक्स। कई लोग पूछते हैं सर कुछ नया टॉपिक बनाइए, कुछ नया टॉपिक बनाइए। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही एक टॉपिक लेके आया हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है। तीन ऐसी बातें जिनके बारे में आज मैं बात करूँगा। नंबर वन, जिम वर्कआउट। सेकेंड नंबर पर फूड फैब्रिकेशन, सप्लीमेंट एंड डाइट। थर्ड नंबर पर है आपका सबसे जरूरी, टाइम एंड मनी। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो लास्ट टॉपिक है टाइम एंड मनी, वो आपको जरूर देखना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिम वर्कआउट। जिम वर्कआउट से मेरा मतलब क्या है कि देखिए, आप जब जिम जाते हो या वर्कआउट करने के लिए किसी भी स्पेस पे आप जाते हो, तो हम अपनी बॉडी के साथ प्ले करने जाते हैं। मतलब कि हम अपनी जो बॉडी की जो एनर्जी है वो सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आज मुझे वर्कआउट करना है, मेरा वर्कआउट पैटर्न मुझे पता है, शेड्यूल मुझे पता है, मुझे क्या करना है, सब कुछ मुझे पता है। जो लोग दो तरह से काम करता है, बॉडी बिल्डिंग में भी या फिटनेस में भी, कुछ लोग का गोल होता है फैट को कम करना, कुछ लोग होता है मसल बिल्ड करना, राइट। मैं सबसे पहले फैट की बात करता हूँ। जब आप कोई भी सेट लगा रहे हो, सेट लगाने के बाद आपने एक सेट कंप्लीट किया, उसके बाद आपको एक मिनट का अपनी बॉडी को रेस्ट देना होता है, ताकि आपके मसल्स रिपेयर हो जाएं, फिर से आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको आप यूज़ करो, उसके बाद फिर से नेक्स्ट सेट लगाओ। लेकिन कई बार आपने जिमों के अंदर देखा होगा कि एक सेट लगाने के बाद हम क्या करते हैं, फ़ोन में लग जाते हैं, मस्ती करने लगते हैं। कई लोगों का ग्रुप एक साथ इकट्ठा हो जाता है, जो तीन चार दोस्त या पाँच सात दोस्त एक साथ वर्कआउट इकट्ठा करते हैं, तो वो वर्कआउट करने की बजाय अपना टाइम गॉसिप में लगाते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते हैं, मजाक करते हैं। हंसना मजाक करना कुछ भी गलत नहीं होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो। किसी भी चीज़ को अगर आप सीरियसली नहीं कर रहे हो, चाहे वो वर्कआउट हो चाहे उसके अलावा कोई भी काम हो, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जैसे ही आपका टाइम पीरियड एक मिनट से दो मिनट या तीन मिनट तक हुआ फैट लॉस के टाइम में, तो आपकी बॉडी वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी जो एक्चुअल में आपको चाहिए, और बाद में क्या होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको लगेगा कि आज के रिजल्ट आ ही नहीं रहे हैं, तो कैसे आएंगे। तो पहली चीज़, इसी के साथ जो लोग मसल बिल्डिंग करते हैं, हाँ उनको टाइम गैप मिल जाता है, दो से ढाई मिनट, तीन मिनट तक भी वो जा सकते हैं, लेकिन वो गॉसिप, वो टाइम ड्यूरेशन, वो मस्ती इतनी लंबी खिंच जाती है कि आप वो वर्कआउट सही से परफॉर्म कर ही नहीं पाते। जो वर्कआउट आपका एक घंटे में ख़त्म होना चाहिए वो दो में होता है, या फिर धीरे धीरे आपका टाइम इतना ज़्यादा होता है, आप बोर हो जाते हो और जल्दी से अपने वर्कआउट को फिनिश करके चले जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, इससे बचें, ऐसा बिल्कुल ना करें। तो इसी के साथ हमारा जो दूसरा पॉइंट है, फूड फैब्रिकेशन, सप्लीमेंट एंड डाइट, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, आजकल ना मार्केट के अंदर बहुत सारी फैंसी डाइट आ रही है, बहुत महंगे महंगे फ्रूट होते हैं जो इम्पोर्ट किए जाते हैं, जो इंडिया में भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल एवोकाडो, ऐसे कई सारे फ्रूट, या फिर अगर वेजिटेबल की बात करूँ जैसे ब्रोकली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, हम उसको सैलड में यूज़ करते हैं। हर आदमी एक महंगी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि आप फैंसी डाइट देख के, आपने वीडियोज़ देखी होगी बहुत लोगों की, भाई 5-6 मील लेने चाहिए दिन के, मैं भी ऐसी वीडियोज़ बनाता हूँ, उसमें भी कुछ फैंसी डाइट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो डाइट नहीं लोगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी या आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, 100% आएंगे। बस आपको छोटी सी चीज़ करेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि जो लोग ब्रोकली सैलड में यूज़ करते हैं, उसके जगह आप गोभी यूज़ कर लो, राइट, पालक यूज़ कर लो, बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्पिनच आप सैलड में भी बॉयल करके यूज़ कर सकते हो। तो आपको अपनी डाइट को फैंसी चीज़ों से बचाना है, अगर आपको बजट फ्रेंडली जाना है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो इंग्रेडिएंट्स या जो न्यूट्रिशन फैक्ट आपकी बॉडी को चाहिए, वो आपको प्रॉपर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जैसे अगर मेरी बॉडी को, मुझे पता है सप्लीमेंट यूज़ करना है, प्रोटीन मुझे पता है कि कितनी इंटेक मेरी होनी चाहिए, ऑलरेडी मैं इस पर कई सारी वीडियो बनाया हूँ कि आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली पर ग्राम, अगर आपकी बॉडी वेट 80 kg है तो आपको अच्छे मसल्स बनाने के लिए 160 g प्रोटीन चाहिए। तो आपने प्रोटीन पूरा कर लिया, उसके लिए आपने सप्लीमेंट भी बाय कर लिया मार्केट से, इसके साथ साथ आप डाइट भी अच्छी ले रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत समझने वाली है, कुछ ऐसे सप्लीमेंट जैसे फॉर एग्जांपल एलार्जिन, कई लोग शौक में किसी के बताने पे एलार्जिन यूज़ करते हैं। क्या होता है कि नहीं, इससे ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। वो काम कब करती है, आपको ये बात समझनी होगी कि जब आप एलार्जिन यूज़ करते हो तो आपकी बॉडी फैट परसेंटेज कम होनी चाहिए। अगर मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 20 से 25 है, राइट, इतना ज़्यादा बॉडी फैट परसेंटेज है, तो अगर मैं एलार्जिन यूज़ कर रहा हूँ उसका कोई बेनिफिट नहीं, वो वेस्ट ऑफ मनी है। तो ऐसा ना करें। ऐसे और कई सारे, जैसे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है एल-कार्नाइटिन को लेके, ये एक फैट बर्निंग सप्लीमेंट है। आप इसको तभी यूज़ करें जब आप बहुत ज़्यादा कैलोरी यूज़ नहीं कर रहे हो अपनी डाइट के अंदर, तो इसके रिजल्ट्स आएंगे। इसके अलावा और भी ऐसी कई सारे सप्लीमेंट हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको परचेज करते हैं। तो आप अपना वहाँ पे
पैसा जो है वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ों के ऊपर। तो ऐसी फैंसी डाइट, ऐसे सप्लीमेंट जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, उनको अवॉइड करके घर की ही खाने को आप अच्छा बनाएं, उसी के अंदर अच्छी इंग्रेडिएंट्स की वैल्यू डालें। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप सलाह ले सकते हैं अच्छे स्पेशलिस्ट के साथ। आइदर आप हमारी पुरानी वीडियो जाके चेक करें, हमने बहुत अच्छे अच्छे इस पर टॉपिक कवर किए हैं, आपको उससे डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, आपका पैसा भी बचेगा और आपको रिजल्ट्स भी आएंगे। इसी के साथ जो तीसरा पॉइंट है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, जितने भी लोग हैं सबके लिए, टाइम एंड मनी। देखिए, अगर आप किसी चीज़ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि आप वर्कआउट करने जाते हो, दिन का एक घंटा दो घंटा निकाल रहे हो, तो वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने टाइम की, उसके बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो वो टाइम है बेटर आप किसी दूसरी चीज़ में लगाओ जहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, लेकिन अगर ये आपका शौक है, शौक बड़ी चीज़ है, शौक बड़ी चीज़ है, सभी को पता है, उसके लिए टाइम वेस्ट करना कोई बात नहीं। बहुत लोगों का शौक होता है कि हमें बहुत अच्छी थ्रिलिंग लाइफ जीनी है, घूमने चले जाते हैं कई कई महीनों के लिए, वो टाइम उसको उनको उसमें मज़ा आ रहा है, मिल कुछ भी नहीं रहा है। तो अगर आपका टाइम आपको वेस्ट करने में मज़ा आता है, वर्कआउट के टाइम इस तरह से जाने में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका कोई गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। जो टाइम ड्यूरेशन आपने सेट करनी है वर्कआउट की, जो पैटर्न होता है उसको कम्प्लीटली फॉलो करें। इसी तरह से है आपका मनी। आप जिम में जाते हो, मेंबरशिप फ़ी पे करते हो, आजकल कितने कॉस्टली हो गए हैं जिम, तो वहाँ पे जो फीस पे करते हो आपको उससे कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए। तो आप ऐसे अननेसेसरी अपने पैसे को वेस्ट मत करो। जैसे आजकल देखा देखी में भी होता है कई लोग कि नहीं, ये जिम तो बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त उसी में जाता है, मेरी पॉकेट अलाउ करती है नहीं करती है, लेकिन मैं वहीं जाऊँगा। नहीं, आप कोई भी वेट पिक करते हो, हर तरह मशीनें, हाँ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो रिजल्ट लाने के लिए बहुत अच्छी मशीन या बहुत अच्छा एनवायरनमेंट इतना मैटर नहीं करता जितना आपका कंसंट्रेशन मैटर करता है। तो आप अपने पॉकेट के अकॉर्डिंगली अपने वर्कआउट एरिया का सिलेक्शन करें, अपना पैसा बचाएं वहाँ पे। इसी तरह से आप अपने पैसे को डाइट पे भी बचाएं, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, जो दूसरा नंबर का टॉपिक कवर किया था, इसी तरह से अपना पैसा सप्लीमेंट पे बचाएं। आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि आपको किस सप्लीमेंट की ज़रूरत है और किसकी नहीं है। जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको कट कर दें अपनी डाइट में से, और उस पैसे को सही जगह लगाएं, म्यूचुअल फंड में लगाएं, अपने बैंक अकाउंट में रखें जिससे आपको वहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हो, आपने दूसरे शौक पूरे कर सकते हो। तो इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखते हो तो कहीं ना कहीं आपका पैसा और आपका टाइम दोनों सेव होता है, और आपके जैसे मन में आप सोचते हो कि ऐसे रिजल्ट्स आने चाहिए, ऐसे रिजल्ट्स भी आते हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई समझ में नहीं आ रही है कोई भी बात, मैं आपके लिए इसी तरह का कंटेंट बनाता रहूँगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, कोई डाइट को लेके या किसी सप्लीमेंट को लेके हमारी बॉडी को किस तरह की रिक्वायरमेंट है, किस तरह का वर्कआउट फॉलो करना है, हम उसके लिए आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाएंगे, आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो आप हमें दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल फ्री है। तो आप समझ लीजिए कि हाँ, तो आपका बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पैसा तो पूरा का पूरा बच रहा है। तो आप हमें अपना टाइम देंगे, हम आपको अपना टाइम देंगे और अच्छा बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। लास्ट में एक बार और बोलता हूँ, हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम भी आपके साथ जुड़े रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।